Our today's topic is poison blends in fishes. Generally ये टॉपिक इक्थियोलॉजी के अंदर पूछा जाता है, जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो भी फिशेस के अंदर रहते हैं उसके बेस्ड जो भी पेपर रहता है वही कहलाता है. तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉइजन ग्लैंड्स इन फिशेस. ज्यादा बड़ा टॉपिक वैसे नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं, तो हमें इसको कवर अप करना रहेगा हमारे सिलेबस के अंदर. सो पॉइजन ग्लैंड्स इन फिशेस के साथ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज जो हम लोग आज देखने वाले हैं वो रहने वाली है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन अब इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का वो कुछ इस तरह रहेगा. पहले तो हम यहाँ पर एक अच्छा सा पेन हमारा चूज कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं. ओके सो एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं पॉइजन से रिलेटेड या वेनम से रिलेटेड, जो कि किसमें से पूछी जा रही है, फिशेस में से देखी जा रही है, क्योंकि वेनम या फिर पॉइजन स्नेक्स के अंदर भी होता है, रेप्टाइल्स के अंदर भी होता है हम कह सकते हैं. लेकिन अगर हम पॉइजन की बात कर रहे हैं वो भी किसके अंदर, फिशेस के अंदर बात कर रहे हैं, तो ऐसी जो ब्रांच होती है उसको जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं टॉक्सिनोलॉजी. तो एक नई ब्रांच का नाम हम यहाँ पर आज समझ रहे हैं जिसको कहते हैं इक्थियोटॉक्सिनोलॉजी, जिसमें हम लोग पॉइजन या फिर वेनम की बात करते हैं. पॉइजन या फिर वेनम की बात करते हैं वो भी किसके अंदर, फिशेस के अंदर. फिशेस के अंदर तो उसको कहते हैं इक्थियोटॉक्सिनोलॉजी. और एटलीस्ट 1000 स्पीशीज फिशेज में ऐसी होती है जो कि वेनमस या फिर पॉइजनस होती है. एक चीज का यहाँ पर मैं डाउट क्लियर आपको करना चाहूंगी कि अगर हम कहना चाह रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर जहर है या फिर वो किसी को मार सकता है अपने जहर से, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं वेनेमस. ज्यादा प्रॉपर वर्ड जो यहाँ पर रहता है वो वेनेमस रहता है. हालांकि हम लोग पॉइजन ग्लैंड के नाम से ही इस चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को समझते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर वे में अगर हम लैंग्वेज की यहाँ बात करें तो वेनम वर्ड ज्यादा प्रॉपर रहता है कि ऐसे फिशेज जो कि जहरीली हो उनको हम कहते हैं वेनेमस फिशेज. लेकिन अगर उन फिशेज को खाकर कोई इंसान की डेथ हो रही है तो ऐसे फिशेस को देन हम लोग कहने लगते हैं पॉइजनस. तो अगर किसी चीज को खाने के बाद किसी की डेथ हो रही है तो आपको पॉइजनस वर्ड याद रखना चाहिए. और अगर कोई फिश दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है अपने जहर की वजह से तो उसको कहते हैं वेनम. तो फिश वेनेमस कब होगी, जब वो किसी इंसान को या किसी ऑर्गेनिज्म को अपने जहर से मार सकती है. लेकिन पॉइजनस कब कहलाएगी, जब वो ऑर्गेनिज्म इसको खा लेगा और उसकी बॉडी में वो जहर फैलेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, तब वो पॉइजनस कहलाएगी. तो आई होप ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, हालांकि आप दोनों यूज कर सकते हैं, ऐसा बड़ा डील नहीं है यहाँ पर कि हम नहीं यूज कर सकते, पर फिर भी हमने इस चीज को यहाँ पर देख लिया. तो ये तो पहली बात हो गई. और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 1000 स्पीशीज है कम से कम ऐसी हमें आज पता चल चुकी है फिशेस की, जो कि कैसी होती है, वेनेमस होती है या फिर पॉइजनस होती है, आप दोनों चीज कह सकते हो. तो ये पहला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट था. और इस चीज की बाय वर्च्यू ऑफ देयर टॉक्सिसिटी अलोन, अगर हम उनकी सिर्फ टॉक्सिसिटी को देखते हुए ही बात करें, दे डू नॉट प्रोड्यूस मेजर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. इनकी टॉक्सिसिटी से इकोलॉजी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि ये इनका एक फीचर है जो कि गॉड ने इनको प्रोवाइड किया है. तो ये एक चीज है जो कि इनमें पाई जाती है. तो आप लिख सकते हो लास्ट में इंट्रोडक्शन के अंदर, बाय वर्च्यू ऑफ देयर टॉक्सिसिटी अलोन दे डू नॉट प्रोड्यूस मेजर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. अब जो बात हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो डिफरेंस होता है इन दो टर्मिनोलॉजीज के बीच में, तो कहीं ना कहीं कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है. वैसे तो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, पर फिर भी जैसे कि आपने समझा अभी इसको कि डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड वेनमस फिशेज, इन दो के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अगर कभी एक्सटर्नल भी आपसे पूछ लें, तो मैं कुछ इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिस्कस करते हुए बता देती हूँ, ताकि अगर मान लीजिए होता है ऐसा कुछ तो आप उसको वहाँ पर एक्सप्लेन कर पाए. तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फिंडले ई रसल, RUSSELL, ठीक है, ये इसका इनका पूरा नाम है फिंडले ई रसल. और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1965 है, जिसको आप याद रख सकते हैं. तो इन्होंने इलोबरेटली ये डिफाइन किया था कि पॉइजनस और वेनमस फिशेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो इन्होंने कहा था कि पॉइजनस फिशेस जो होती है, तो उनके बारे में हम पहले लिखते चलते हैं यहाँ पर साथ में. तो उन्होंने कहा था जो पॉइजनस फिशेज होती हैं, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जनरली ऐसी फिशेज होती हैं, या ये टर्मिनोलॉजी जब अप्लाई की जाती है जब उन फिशेस के टिश्यू को या उनकी बॉडी के किसी पार्ट को या एंटायरली पूरे फिश को अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह से टॉक्सिक होगी. उन्होंने इस तरह से इसको समझाया था. क्या कहा उन्होंने कि अगर किसी फिश के टिश्यू के अंदर, टिश्यू यानी कि
सेल का ग्रुप, उसको टिश्यू कहते हैं। अगर टिश्यू के अंदर या फिर किसी पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर अगर हम बात करें फिश के पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर अगर हम बात करें उसकी पूरी बॉडी, एंटायर बॉडी की, एंटायर बॉडी की, ठीक है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन देखने को मिलती है और ये सारी चीजों के अंदर अगर फिश टॉक्सिक है, जहरीली है, तो उसको पॉइजनस फिश कहा जाता है। और दूसरी टर्मिनोलॉजी थी वेनमस फिशेस की। वेनमस फिश को उन्होंने इस तरह से डिफाइन करा, उन्होंने कहा ये सिर्फ ऐसी फिशेस होती हैं जो कि कैपेबल होती है पॉइजन को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ उनके किसी एक सिक्रेटरी ऑर्गन से या फिर ग्रुप ऑफ सेल से, यानी कि उनके अंदर कहीं ना कहीं पॉइजनस ऑर्गन होगा या फिर कोई पॉइजनस ग्लैंड होगा, सिर्फ उस प्लेस से ही वो पॉइजन को सिक्रीट कर पाएंगी और वहां से जो भी टॉक्सिन उनके अंदर भरा है उसको डिलीवर करती हैं। और वो कैसे डिलीवर करती है, या तो वो बाइटिंग शो करेगी उनके प्रे के अंदर, या जो भी उनका एनिमी है उसके अंदर बाइटिंग शो करेगी, या फिर एक स्टिंगिंग एक्ट उसके ऊपर, एक्ट जो होता है स्टिंगिंग एक्ट, उस तरह से शो करती है और इस तरह से वो अपने सामने वाले ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करने की कोशिश करती है। तो ये वाली जो ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी थी पॉइजनस फिशेज वाली, उसमें बहुत सारी चीजें हमने इंक्लूड करी, टिश्यू भी पार्ट ऑफ द बॉडी भी इंक्लूड करा, एंटायर बॉडी भी हमने कहा। लेकिन वेनमस फिशेस में ऐसा नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, ये सिर्फ लिमिटेड होती है थोड़ी सी, ये टर्मिनोलॉजी लिमिटेड टू दोस फिशेस, लिमिटेड टू दोस फिशेस, ये पॉइंट आप यहां नोट करेंगे इसके अंदर, व्हिच आर कैपेबल ऑफ, व्हिच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन फ्रॉम, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम अ सिक्रेटरी ऑर्गन भी लिख सकते हैं वैसे तो, फ्रॉम सिक्रेटरी ऑर्गन और ग्रुप ऑफ सेल्स, सिक्रेटरी ऑर्गन और ग्रुप ऑफ सेल्स, इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है वेनमस फिशेस के लिए। और वो टॉक्सिन को कैसे डिलीवर करती है वो भी हमने यहाँ पर बात की, या तो वो बाइटिंग एक्शन शो करेगी, बाइटिंग के थ्रू, या तो वो डिलीवर कर देगी टॉक्सिन को, या फिर स्टिंगिंग एक्ट के थ्रू, स्टिंगिंग एक्ट के थ्रू वो अपने टॉक्सिन को उसके दुश्मन, उसके एनिमी, जिसमें भी उसको वो प्रोड्यूस करना है सामने वाले ऑर्गेनिज्म में, तो इस तरह से वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाती है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपको पता होनी थी। इसके अलावा रियलिटी में अगर हम बात करते हैं तो जितने भी वेनमस एनिमल्स होते हैं वो सभी पॉइजनस होते हैं, लेकिन सारे पॉइजनस एनिमल्स वेनमस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर ये बात हो रही कि ये वेनमस वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे इनमें तो हमें दिखाई दे रहा है कि पॉइजन है, लेकिन ये ऊपर जो पॉइजनस वाले हैं इनके अंदर कोई वेनम वाला ग्लैंड है या नहीं ये तो पूरी तरह से तय नहीं है। तो इसी वजह से ये पॉइंट दिया जाता है कि रियलिटी में, या इनफैक्ट आप लिख सकते हो कि ऑल वेनमस एनिमल्स आर पॉइजनस, जितने भी वेनमस एनिमल्स होंगे वो सभी पॉइजनस होंगे, बट नॉट ऑल पॉइजनस एनिमल्स आर वेनमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें यहाँ नोट करना जरूरी रहेगा कि ऑल वेनमस एनिमल्स आर पॉइजनस बट ऑल पॉइजनस एनिमल्स आर नॉट वेनमस, वो सभी वेनमस नहीं होते, ये पॉइंट हमें इसको याद रखना है यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टोटल मिला के अभी तक बातें की उसको यहाँ पर कंक्लूड करने के लिए पॉइंट दिया गया है। इसके अलावा जो फिशेस होती है उनमें एक डेफिनेट वेनम एपरेटस पाया जाता है, और वो जो एपरेटस रहता है वो उनके अंदर ज्यादातर जिस प्लेस पर होता है उसको कहते हैं फेनेरोटॉक्सिक। तो जिस तरह से वो प्रेजेंट रहता है तो उसको ही, उसकी पोजीशन के बेसिस पर ही उस वेनम अपेरेटस को फेनेरोटॉक्सिक कहा गया है। तो फिशेस के अंदर का ये स्पेशल पॉइंट है थोड़ा सा कि फिशेस के अंदर जो उनका वेनम अपेरेटस है, वेनम अपेरेटस वो पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है, तो इसी जगह को देखते हुए उसको जो नाम दिया जाता है इस वेनम अपेरेटस को उसको कहते हैं फेनेरो, फेनेरो टॉक्सिक, ये इसका नाम दिया जाता है फेनेरोटॉक्सिक। अब इसमें फेनेरोटॉक्सिक में इसका मीनिंग पहले समझना जरूरी है। इसमें फेनेर वर्ड जो है, यहाँ फेनेरो पूरा इतना जो वर्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है फेनेरो, इसका मीनिंग होता है इविडेंट, इविडेंट, और वहीं टॉक्सिन का या टॉक्सिक का मतलब जो होता है वो होता है पॉइजन। तो
तो ये दो चीजों के अंदर इस वर्ड को डिफाइन किया जाता है या ब्रेक किया जाता है। वाइल्ड जो फिशेज होती है जिनके बॉडी टिश्यूज टॉक्सिक होते हैं, अगर पूरी बॉडी टिश्यूज अगर उसके टॉक्सिक है तो ऐसी फिशेज को क्रिप्टोटॉक्सिक कहा जाता है। तो एक ऐसी फिश जिसमें वेनम का अपेरेटस पाया जा रहा था उसको आप क्या नाम देते हो, फेनेरोटॉक्सिक नाम देते हो, क्योंकि उसके अंदर अपेरेटस है, उसकी कहीं ना कहीं कोई पोजिशन है वहां पर उसकी बॉडी में, इसलिए वो फेनेरोटॉक्सिक है। लेकिन कोई अगर ऐसी फिश है जिसकी बॉडी टिश्यूज के अंदर और कोई स्पेशल प्लेस नहीं है जहां पर वेनम पाया जा रहा है, बल्कि उसकी कोई बॉडी टिश्यूज, सारे बॉडी टिश्यूज में भी हो सकता है, ऐसी अगर सिचुएशन आ रही है, अगर बॉडी टिश्यूज टॉक्सिक है, बॉडी टिश्यूज टॉक्सिक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो नाम दिया जाता है ऐसे फिशेस को, वो कहलाती है क्रिप्टो टॉक्सिक, उनको कहते हैं क्रिप्टो टॉक्सिक। अब क्रिप्टो टॉक्सिक को भी हम यहाँ पर ब्रेक करके समझ सकते हैं, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, हिडन, यहाँ पता नहीं है फिश के कौन से टिश्यू के अंदर वेनम या फिर उसका टॉक्सिन पाया जाएगा, और टॉक्सिक का मतलब अगेन यहाँ पर पॉइजन हो जाएगा। तो इस तरह से इन दो तरह से हम वर्ड को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ऑल्दो यहाँ पर ये जो वर्ड वेनमस है और पॉइजनस है इनको सिनोनिमसली ही यूज किया जाता है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे टॉक्सिनोलॉजिस्ट हैं जो कि ये अभी भी ट्राई कर रहे हैं जिससे कि वो ये कन्फाइन कर सके कि कौन सी फिशेज वेनमस कहलाएंगी और कौन सी ऐसी फिशेज है जिनको हम पॉइजनस कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हम ये टॉपिक को कॉमनली ही पढ़ते हैं, इसको अलग नहीं पढ़ा जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में हम इस डिफरेंस को यहाँ पर समअप करने के लिए ये कह सकते हैं कि जो वेनम अपेरेटस होता है वो बेसिकली होता क्या है, तो जो स्टिंग या फिर स्पाइन फिशेस का होता है उसी को कभी ना कभी वेनम अपेरेटस का नाम दिया जाता है। स्टिंग या फिर स्पाइन जिससे फिश अपने वेनम को आगे पहुंचा रही है, डिलीवर कर रही है, उसी चीज को वेनम अपेरेटस ही कहा जाता है। और कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि एक स्ट्रिक्ट सेंस में अगर हम वेनम अपेरेटस को डिफाइन करें तो उसमें जो जो चीजें इंक्लूडेड होती है, तो कुछ साइंटिस्ट ने उस तरह से बताया कि ग्लैंड, एक तो होगा पॉइजनस ग्लैंड वो ले लेंगे, दूसरा होगा उसका डक्ट, और डक्ट से फिर आगे जाके जो स्टिंग में जाएगा वो वेनम, इन सब चीजों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि वो वेनम अपेरेटस है। तो कुछ साइंटिस्ट ने इसको ऐसे एक्सप्लेन करा, या ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसी चीज को आप क्या कह सकते हो, आप इसको स्पाइन भी कह सकते हो। तो इस तरह से इसको समझाया गया और कहा गया कि जो पॉइजनस फिशेज होती है उनको अगर डिफ्रेंशिएट करना है वेनमस फिशेज से, तो सिंपली तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पॉइजनस फिशेस के अंदर जो होगा एपरेटस जो होगा वो जो एपरेटस होना चाहिए पॉइजन का वो नहीं पाया जाएगा, बल्कि वेनमस में वो चीज पाई जाएगी, बस इससे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पॉइजनस फिशेस में कोई वेनम एपरेटस नहीं होता और वेनमस फिशेस में वेनम एपरेटस होता है, तो बस इतना याद रखना है, वेनम फिशेस में वेनम एपरेटस प्रेजेंट रहेगा और पॉइजनस फिशेस के अंदर वेनम अपेरेटस एब्सेंट रहेगा। सिर्फ इतना से डिफरेंस इसको यहाँ पर हम समझ सकते हैं। और जो पॉइजनिंग होती है ऐसे फिशेस के थ्रू, यूजुअली जो पॉइजनस फिशेस अगर किसी के अंदर पॉइजन जाएगा तो वो इंजेशन के थ्रू होगा, इंजेशन के थ्रू, और इधर पॉइजन कैसे पहुंचेगा, स्टिंग के थ्रू पहुंचेगा या बाइटिंग के थ्रू पहुंचेगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इन दो फिशेस में जो हमें पहले समझना ज्यादा जरूरी था। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास रहता है डिविजन्स ऑफ, या फिर डिविजन्स भी लिख सकते हैं, या मैंने डिविजन लिखा पूरा लिखेंगे, डिविजन्स ऑफ पॉइजनस फिशेस, कितने डिविजन्स होते हैं। तो जो फिश पॉइजनिंग होती है, जैसे कि हमने अभी शुरू में बात कर ली है कि फिश पॉइजनिंग को हम सिनोनिमस तौर पर यूज करते हैं इक्टियोटॉक्सिज्म के साथ, तो फिश पॉइजनिंग एक सिमिलर टर्मिनोलॉजी है किसके लिए, तो फिश पॉइजनिंग सिमिलर टर्मिनोलॉजी, सिमिलर को इस तरह से शो करते हैं किसके साथ, टॉक्सिज्म के साथ। ये बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट थी जिसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी था कि फिश पॉइजनिंग जो है वो सिनोनिमस है इक्टियोटॉक्सिज्म के साथ। और एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हेलस्टेड, तो साइंटिस्ट का नाम है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं उनको हेलस्टेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिया है यहाँ पर, हेलस्टेड। तो हेलस्टेड नाम के जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने, उनका टाइम पीरियड था 1967, इन्होंने कहा कि चार डिविजन्स होते हैं जिससे कि आप पॉइजनस फिशेस को यहाँ पर समझ सकते हैं। उन्होंने जो डिविजन्स बताए थे उसमें से पहला डिविजन था इक्थियो सार्कोटॉक्सिक फिशेस। सो इक्थियो, हर जगह इक्थियो तो ऐड होता ही जाएगा लेकिन साथ में आगे की जो चीजें उसको हमें याद रखनी होगी, इक्थियो सार्कोटॉक्सिक फिशेस, इक्थियो सार्कोटॉक्सिक फिशेस। दूसरी फिशेस कहलाती हैं इक्थियो इक्थियो ओटोटॉक्सिक, ओटोटॉक्सिक इक्थियो ओटोटॉक्सिक फिशेस। मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यूएशन में इसलिए नहीं लिख रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर वे में उसकी स्पेलिंग समझ में आए, क्योंकि यहाँ दो बार ओ यूज किया जाएगा इसलिए मैंने उसको थोड़ा दूर लिखा, वैसे आप इसको कंटिन्यूएशन में ही लिखेंगे, एक ही कॉमन वर्ड है, तो इक्थियो
और टॉक्सिक फिशेस, इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। थर्ड जो फिशेस होती है वो कहलाती है इक्टियो हीमोटॉक्सिक फिशेस, हीमो टॉक्सिक फिशेस, इक्टियो हीमोटॉक्सिक फिशेस। और लास्ट जो होती है वो कहलाती है इक्टियो क्राइनोटॉक्सिक फिशेस। तो फोर्थ जो फिशेस होती है वो कौन सी होती है, इक्टियो क्राइनो टॉक्सिक फिशेस। ये चार तरह की फिशेस को डिफरेंशिएट किया था हेलस्टेड ने 1967 में। एक-एक करके अब हम सबको समझते जाएंगे। सबसे पहले आती है इक्टियो सार्कोटॉक्सिक फिशेस। तो इसमें हम यहाँ पर इस तरह इसको समझेंगे, इक्टियोसार्कोटॉक्सिक को, ऐसे फिशेज जिसमें उनका जो टॉक्सिन होता है वो उनके मस्क्यूलेचर के अंदर पाया जाता है, या उनके विसरा में, या उनके स्किन के अंदर पाया जाता है, ऐसे फिशेज को इक्टियोसार्कोटॉक्सिक फिशेज कहते हैं। तो सिंपल तौर पे क्या याद रखना है, अगर टॉक्सिन कहाँ पाया जा रहा है, किन प्लेसेस पे पाया जा रहा है, एक तो उनके मस्क्यूलेचर में, यानी उनकी जो मसल्स होंगी उसके अंदर, अगर मसल्स के अंदर है फिशेज के, या उसकी विसरा के अंदर है, या फिर आप स्किन भी कह सकते हो, अगर इन प्लेसेस पर टॉक्सिन पाया जा रहा है तो ऐसे फिशेस को इक्टियोसार्कोटॉक्सिक फिशेस कहा जाता है। और इन फिशेस के अंदर जो एग्जांपल आते हैं वो रहते हैं साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स के ऊपर पूरा एक ऑलरेडी वीडियो सेगमेंट का पूरा जो ग्रुप है मैंने बना रखा है, आप उसको देखेंगे तो साइक्लोस्टोमेटा वहाँ क्लियर हो जाएगा, उन्हीं को साइक्लोस्टोम्स कहते हैं। उसके अलावा इलाज्मो ब्रांच जो होते हैं, इलाज्मो ब्रांच, अभी इलाज्मो ब्रांच के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये चीजें पाई जाएगी कि उनकी विसरा या उनकी स्किन मस्क्यूलेशन में उनका जहर होता है, ये आप चीज याद रखेंगे। उसके बाद काइमेरा नाम के फिशेस, काइमेरा, उसके अलावा टेट्राडॉन, टेट्राडॉन स्क्रोम्बॉइड, स्क्रोम्बॉइड ऐसे कुछ नाम है, ये वाला मुझे थोड़ा क्लियर नहीं याद आ रहा है स्क्रोम्बॉइड फिश का, तो स्क्रोम्बॉइड कहते हैं ऐसा कुछ, इसको हम बाद में चेक करेंगे। और एक होता है गैम्पाइलेट, तो इतनी फिशेस के नाम आपको याद रखना है, गैम पाइलेट, इस वाले नेम में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसको मैं बाद में चेक करके आपको यहाँ क्लियर भी कर दूंगी नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये तो बात हो गई, और दूसरी फिशेस जो होती है वो कहलाती है इक्टियोटॉक्सिक फिशेस। अब हम इनकी बात करेंगे, तो ऐसी फिशेस, अब इनको इस तरफ डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी फिशेस जिनका जो टॉक्सिन होता है वो जनरली कहाँ पर कन्फाइंड होता है, उनके फीमेल गोनेट्स के अंदर कन्फाइंड होता है, यानी फीमेल की जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगी अगर वहां पर पॉइजन पाया जा रहा है तो ऐसे फिशेस को इक्थियोटॉक्सिक फिशेस कहते हैं। और ऐसे फिशेस में जो रिलेशन रहता है गोनेडल एक्टिविटी का और प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन का, वो बहुत अच्छा देखने को वहां पर मिलता है। जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो फ्रेश वाटर स्पीशीज ही होते हैं, और इनमें जो डिविजन पाया जाता है वो फिशेज का जो रहता है वो कहीं ना कहीं पॉइजनस ही होता है। तो आपको क्या याद रखना है, इक्टियोटॉक्सिक फिशेज में फीमेल गोनेट्स जो रहते हैं, फीमेल गोनेट्स वो यहाँ पर टॉक्सिक होते हैं, फीमेल गोनेट्स जो होते हैं वो यहाँ पर टॉक्सिक होते हैं, उनके अंदर सारी पॉइजनस चीजें पाई जाएगी। और दूसरी चीज क्या याद रखनी कि एक रिलेशन देखने को मिलता है किसके बीच में, गोनेडल एक्टिविटी के अंदर, गोनेडल एक्टिविटी और किसके बीच में रिलेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ डबल एरो यूज कर रहे हैं हम रिलेशन को शो करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन के बीच में, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन के बीच में। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ज्यादातर मेंबर्स इसके अंदर इक्टियोटॉक्सिक फिशेज में कौन से होते हैं, फ्रेश वाटर स्पीशीज होती है फिशेज की, फ्रेश वाटर स्पीसीज जो होती हैं विशेष की उनके अंदर ये देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट्स जो थे वो इम्पोर्टेंट थे, जो जो हमने यहाँ पर डिस्कस करने थे इक्टियोटॉक्सिक फिशेस के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि इनमें फिशेस जो होगी वो सभी फीमेल गोनेट्स के अंदर ही टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, ये इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा थर्ड है हमारे पास इक्टियो हीमोटॉक्सिक फिशेज। अब इक्टियो हीमोटॉक्सिक फिशेज को समझते हैं, यहाँ पर हम लोग उसको इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका एरो यहाँ ले लेते हैं। तो ऐसी फिशेस जिनका जो टॉक्सिन होता है वो उनकी ब्लड में पाया जाता है, अगर ब्लड के अंदर टॉक्सिन है, ब्लड के अंदर टॉक्सिन है, तो ऐसी फिशेस हीमोटॉक्सिक फिशेस कहलाती है। और फ्रेश वाटर ईल्स और सेवरल मराइन फिशेस ऐसी होती है जो कि इस ग्रुप में देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल जो होंगे वो कौन हो जाएंगे, ईल्स हो जाएंगी, ईल्स के लिए यहाँ पर एल आना चाहिए था, तो उसको पहले क्लियर करके देखेंगे। यहाँ आई डोंट नो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ईल्स, और ईल्स भी कौन सी, फ्रेश वाटर वाली, फ्रेश वाटर ईल्स आ जाती है इसकी एग्जांपल में। उसके अलावा कुछ
मराइन फिशेज भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। अगर ब्लड के अंदर टॉक्सिन है, जहर पाया जा रहा है फिशेज का, तो वो इक्टियोहीमोटॉक्सिक फिशेज कहलाती है। उसके अलावा हमारे पास आती है इक्टियोक्राइनोटॉक्सिक फिशेज। अब हम इनकी बात यहाँ पर कर लेते हैं, तो ऐसी फिशेज जिनका जो टॉक्सिन रहता है वो ग्लैंडुलर सिक्रीशन के थ्रू देखने को मिलता है। तो ये अपने टॉक्सिन को कैसे रिलीज कर रही है, ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन के थ्रू, यानी कि इनमें ग्लैंड पाया जाएगा और उस ग्लैंड में से टॉक्सिन रिलीज होगा। तो प्रॉपर वे में तो असल में जो फिशेज होना चाहिए वो इक्टियोक्राइनोटॉक्सिक फिशेज ही होंगी जिनके अंदर ग्लैंड पाया जाएगा, लेकिन इनके अंदर फिर भी एक ट्रू वेनम अपैरेटस नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे लैक ट्रू वेनम अपैरेटस। एक सही तौर पर एक वेनम अपैरेटस जो होना चाहिए इनके पास नहीं होता, दे लैक ट्रू वेनम अपेरेटस। ये चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है इसके बारे में। और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो हो जाते हैं बॉक्स फिशेस। बॉक्स फिशेस इसके अंदर आती है एक तो एग्जाम्पल, उसके अलावा ट्रंक फिशेस, लैम्प्रेस, और लैम्प्रेस भी यहाँ आ रहे हैं, तो ये लैम्प्रेस वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक इधर साइक्लोस्टोम्स का भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इनमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो रिलीज होगा वो इनकी स्किन में भी रिलीज होता है कहीं ना कहीं, स्किन के अंदर, क्योंकि इनका ग्लैंड आके ओपन हो रहा है, तो स्किन के ऊपर ही वो चीज दिखाई देती है कि वहां से ये रिलीज हुआ होगा, इस तरह से माना जाता है। और जो सब्सिक्वेंटली जो स्किन वाला पोर्शन होगा, हम कह देंगे कि वो ये टॉक्सिन रिलीज करेगा और वहां से एनवायरमेंट तक इसके टॉक्सिन रिलीज होते हैं। तो फाइनल तौर पे इनका ये जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन है वो कहाँ पर जाकर ओपन होता है, इनकी स्किन पे ही जाकर ओपन होता है। तो स्किन के थ्रू ही एनवायरमेंट की तरफ, स्किन के थ्रू ही इन्वायरमेंट की तरफ क्या जाता है, टॉक्सिन जाता है। तो ये सारी बातें थी इसके अंदर। अब केमिकल नेचर जो होता है फिश टॉक्सिन का, वो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और हेडिंग ले लेंगे यहाँ पर इस साइड। तो केमिकल नेचर केमिकल नेचर क्या होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं फिशेस के अंदर वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं। तो टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं हम, टॉक्सिन्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स। अब वो करते हैं क्या है, इनमें से जो होते हैं प्रोटीन नेचर देखने को मिलता है, यानी कि उनमें पेप्टाइड्स होते हैं, अमीन्स होते हैं, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स, सेपोनिन्स, ये सारी चीजें पाई जाती है। तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, इसलिए यहाँ पर क्या क्या चीजों के कॉम्बिनेशन है, प्रोटीन तो है लेकिन प्रोटीन के साथ साथ क्या क्या है, प्रोटीन के साथ साथ पेप्टाइड्स हैं यहाँ पर, अमाइन्स हैं। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को वैसे 4 डिग्री करके यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर क्वार्टरनरी की स्पेलिंग में किसी को प्रॉब्लम हो तो हम पूरा वर्ड यहाँ नोट कर रहे हैं, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हो सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स मतलब कहीं ना कहीं जो फिश के अंदर वो जो पॉइजन पाया जा रहा है वो कैसे बना होगा, हम उसको देख रहे हैं। सिंपल शब्दों में अगर बात करें वो किन किन चीजों से बनता है, तो इन सभी चीजों से बनता है और सेपोनिन से भी बनता है। आप इन एरोस की जगह कॉमास भी यूज कर सकते हैं, सेपोनिन्स। इन सारी चीजों को मिलाकर टॉक्सिन वहां पर तैयार होता है फिश के अंदर, ये आपको याद रखना है। हाउएवर जो स्ट्रक्चर होता है मोस्ट ऑफ द मराइन पॉइजन का, वो अभी भी स्टिल अननोन है, क्योंकि मराइन पॉइजन और फ्रेश वाटर पॉइजन जो होते हैं कभी कभी डिफरेंस उनमें देखने को मिलता है। तो मराइन पॉइजन का अभी तक स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाया है। और जो मराइन वेनम्स होते हैं उनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, लेकिन ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो नियरली एज कॉमन होते हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वेनम की तरह। तो जो भी मराइन वेनम रहेगा उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे, लेकिन ये जो एंजाइम्स होंगे वो बहुत अलग दिखाई देते हैं। किसके अलग दिखाई देते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल के वेनम्स होते हैं उनसे अलग दिखाई देते हैं। तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा था यहाँ पर कि वेनम्स जो रहते हैं, वेनम्स उनके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन ये एंजाइम जो होंगे वो टेरेस्ट्रियल वाले एनिमल्स के वेनम से अलग होंगे। बस इतनी बात यहाँ पर याद रखनी थी केमिकल नेचर ऑफ फिश टॉक्सिन्स के अंदर। सो टॉक्सिन्स ऑफ फिशेस आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, सम आर प्रोटीन वाइल अदर आर पेप्टाइड्स, अमीन्स, क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स एंड सेपोनिन्स। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द मराइन पॉइजन्स इज स्टिल अननोन, सम ऑफ द मराइन वेनम्स कंटेन एंजाइम्स, बट दीज सब्सटेंसेज आर नॉट नियरली एज कॉमन एज दे आर इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वेनम।
तो ये केमिकल नेचर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है फिशेस के अंदर। उसके अलावा आगे हमारे पास जो जो टॉपिक आता है उसको कहते हैं जू टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिश टॉक्सिन्स, यानी कि जूलॉजी के हिसाब से या जू टॉक्सिकोलॉजी के हिसाब से क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है इन फिश टॉक्सिन्स में। अब हम इनको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग ले लेती हूँ सबसे पहले। तो जो जो टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है फिश टॉक्सिन्स की, वो डिफरेंट हो सकती है, वेराई कर सकती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से। ये यानी कि यहाँ जो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी अभी फिशेज के अंदर, उसके अगर मुकाबले आप ये जू टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलता है फिश टॉक्सिन्स के अंदर। तो जो फिश का वेनम होता है उसके अंदर रादर सिंपल इफेक्ट्स प्रवोक करने की कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज दिखती है, कि अगर फिश का वेनम किसी पे दिखाई देगा तो कुछ सिंपल इफेक्ट्स आते हैं। तो वेनम जो प्रोड्यूस करेगा इफेक्ट्स वो देख रहे हैं हम लोग। वेनम कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? सिंपल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, सिंपल इफेक्ट। और वो कौन से होते हैं? जैसे कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन, ट्रांजिएंट करना। तो ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन यानी कि डायलेशन यानी कि ब्लड वेसल्स जो होंगी उनको बड़ा कर देना, कॉन्स्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स को छोटा कर देना, सुकुड़ देना, इन दोनों चीजों को कहते हैं। वाइल इनमें और भी कुछ चीजें होती है जिसमें वो कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज को भी प्रोवोक कर सकते हैं, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक डिसफंक्शन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हम एक एक करके देखते जा रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक डिसफंक्शन इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या प्रवोक कर सकते हैं। मल्टीपल कॉन्कोमिटेंट चेंजेस भी पैदा कर सकते हैं, मल्टीपल कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इनमें पैदा कर सकते हैं, और वो भी किसके अंदर? ब्लड वेस्कुलर डायनामिक्स के अंदर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन ब्लड वेस्कुलर डायनामिक्स इसके अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रसल। 1965 की बात है, शुरू में भी हमने इनका नाम डिस्कस करा था। तो रसल जो थे उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा बातें ले रहे हैं। रसल ने 1965 में ये कहा था कि जो फिश पॉइजन होता है, फिश पॉइजन मेटाबोलाइट्स जो रहते हैं वो मेनली बायोएक्टिवेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्होंने एक पॉइंट दिया था कि जो भी फिश पॉइजन मेटाबोलाइट्स होंगे, फिश पॉइजन मेटाबोलाइट्स जो होंगे वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर बायो एक्टिवेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायो एक्टिवेशन इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये रसल ने कहा था। और जितने भी फिश वेनम्स होते हैं उनमें एटलीस्ट एक आउटस्टैंडिंग कॉमन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हमेशा पाई जाएगी, जिससे कि वो इमीडिएट इंटेंस पेन कॉज करेंगे। यानी कि हर वेनम के अंदर, हर पॉइजन के अंदर, वेनमस फिश के अंदर ये देखा जाएगा कि अगर वो किसी को बाइट कर रही है, स्टिंग कर रही है, तो एक आउटस्टैंडिंग कॉमन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सभी वेनम में होती है, सब में एक प्रॉपर्टी सेम होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है? कि जैसे ही वो किसी को बाइट करेगी या स्टिंग करेगी, उसके सामने वाले चीज को या इंसान हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो उसको इंटेंस पेन महसूस होता है। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर? इंटेंस पेन, दर्द महसूस होगा जो भी ऑर्गेनिज्म को वो वहां पर बाइट करेगी। और ये जो पेन रहता है यूजुअली फार मोर सीवियर रहता है जो कि एक्सपीरियंस किया जाएगा बाय बाइट ऑफ स्नेक या फिर ब्लैक विडो स्पाइडर भी अगर है, इन दोनों से भी ज्यादा सीवियर होता है। यानी कि फिश का ये जो वेनम जो रहेगा, ये जो दर्द देगा वो उससे भी ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? स्नेक की बाइट से भी ज्यादा होगा। और दूसरा कौन सा यूज करा हमने एग्जाम्पल? ब्लैक विडो स्पाइडर, क्योंकि सबसे ज्यादा माना जाता है कि शायद स्नेक का जो जहर होगा अगर वो किसी को बाइट कर रहा है स्नेक, तो सबसे ज्यादा दर्द जब होगा किसी ऑर्गेनिज्म को, जबकि ऐसा नहीं है। फिशेस का जो यहाँ पर बाइटिंग का प्रोसीजर होगा या स्टिंगिंग का प्रोसीजर होगा वो ज्यादा यहाँ पर पेनफुल होगा। तो आपको ये याद रखना है कि स्नेक यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्नेक बाइट, या फिर इसके साथ अगर आप दूसरी यूज कर लें ब्लैक विडो स्पाइडर, ये दोनों ही अच्छे खासे वेनमस होते हैं, बल्कि बहुत वेनमस होते हैं। और दूसरी तरफ है फिश वेनम,
इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो ज्यादा पेनफुल कौन होगा, तो फिश वेनम या फिश का बाइट लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ पर वेनम नहीं लिखना था, बाइट लिखना था, तो वो ज्यादा यहाँ पर पेनफुल होगा, ये चीज को यहाँ पर याद रखना है। अब जो टॉक्सिन्स होते हैं इक्टियोसार्कोटॉक्सिक फिशेस के अंदर, अगर हम उनको भी यहाँ पर देखें तो रिमार्केबली जो टॉक्सिन्स होते हैं वेनमस फिशेस के, अच्छे खासे उनमें देखने को मिलते हैं, और ऐसा कोई केमिकल या फिर फिजियो फार्मेकोलॉजिकल रिलेशनशिप हमें नहीं देखने को मिलता है किसके बीच में, वेनमस और पॉइजनस फिशेज में, इन दोनों के बीच में कोई सा भी फिजियो फार्मेकोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं होता। तो ये पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्लूड करना जरूरी है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और वो पॉइंट कहता है कि देर इज नो पूरे लिख सकते हैं केमिकल और फिजिको फार्मेकोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन वेनमस एंड पॉइजनस फिशेस, इनके बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन देखने को नहीं मिलता। और इनके अंदर एक नई चीज और ये भी होती है कि इनमें ऐसा अपियर होता है कि कोई रिलेशनशिप हो सकता है इनके बीच में होगी, इनके टॉक्सिन्स के बीच में हो सकती है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, वो क्लियरली इविडेंट है कि इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज है वेनमस फिशेज से, बस वो एक इंटेंस पेन से रिलेटेड है बस, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है दूसरी फिशेज के अंदर। इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है सिग्यूएटेरा का, तो मैं एग्जाम्पल्स को यहाँ नोट करती होंगी क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ही हमारे पास। तो पहला एग्जाम्पल है सिग्वेटेरा। अब सिग्वेटेरा का जो टॉक्सिन होता है वो यहाँ पर इंक्लूड करना जरूरी है, और दूसरा होता है जिम्नो थोरैक्स टॉक्सिन, इन दोनों की अगर आप बात करोगे तो ये सेम दिखाई देते हैं, सिग्वेटेरा का टॉक्सिन और जिम्नो थोरैक्स का टॉक्सिन सेम माने जाते हैं, तो ये थोड़ी सी सिमिलैरिटीज इस तरह से इनके अंदर। उसके अलावा एक होता है टेट्रोडोटॉक्सिन, तो टेट्रोडोटॉक्सिन ये जो रहता है इसका पॉइजन सेम होता है, वो भी किसके साथ, एक न्यूट टेरिका टोरोसा होता है उसके साथ, तो एक होता है न्यूट टेरिका टोरोसा, तो इन दोनों का भी जो पॉइजन होता है वो सेम होता है, सेम इनका टॉक्सिन सेम होता है, सेम टॉक्सिन, और हम यहाँ पर सेम टॉक्सिन पॉइजन एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। कुछ इंपॉर्टेंट वेनमस फिशेस की बात की जाए अगर, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट वेनमस फिशेस के बारे में डिस्कस करने के लिए। वो कहती है कि ओवर 200 स्पीशीज फिशेस की ऐसी नोन है जो कि वेनमस हो सकती है। अभी हमें कम से कम 200 ऐसी स्पीशीज पता चल गई है जो कि क्या है, वेनमस है, और उसमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है जो कि स्टिंगिंग वाले एक्शन शो करती है और बहुत अच्छी खासी सीवियर एक्शन शो करती है, उनके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना पहले जरूरी है। तो वो रहती है रेज वीवर्स, उनके नेम्स हम यहाँ नोट कर रहे हैं, रेज वीवर्स, स्कॉर्पियन फिशेस, स्कॉर्पियन फिशेस, जीब्रा फिशेस, जेब्रा फिशेस भी कह सकते हो आप, उसके अलावा स्टोन फिशेस, उसके अलावा स्टार गेजर्स, कैट फिशेस, क्लेरिया, शार्क, रेड फिशेस, टर्गन फिशेस एक्सेट्रा।